अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये परिंदे हैं सुबह सुबह, ये बहुत अच्छे देखे हैं। मिट्टू है, ये बोलता भी है। ऑस्ट्रेलियन स्पैरोस, ये फाख्ता है, डव, और ये भी ऑस्ट्रेलियन स्पैरोस है। तो मैंने कहा चले सुबह का आगाज परिंदों से करते हैं। और उम्मीद है कि आप सब ने मेरा व्लॉग देखा होगा। ये मेरा आज न्यू व्लॉग है। आज मैं आपको न्यू अपडेट्स दूँगी कि आज क्या किया, क्या क्या किया और क्या क्या खाया, कहाँ गए। ये रायहा है, ये अभी जागी है और ये नाश्ता करके और ये तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया था, नान, चने, हलवा, पूरी, चाय, और हम सब जो है बैठ के नाश्ता करने लगे। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको अपना नाश्ता भी दिखाऊँ। यहाँ पे रायहा भी आ गई है। रायहा, रायहा यहाँ पे शरारते कर ली है मेरे था, यहाँ पे रेस्ट कर ली है मेरे था। क्यूट सी मिधा है, अंगूठा चूस रही है। मेरा मेरा बेबी। और रायहा जो है अपनी शरारतों में गुम है। और इधर एक तरफ चावल तैयार हो रहे हैं और एक तरफ शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। शामी कबाब का मसाला, क्योंकि बच्चे जो है वेजिटेरियन है, मेरी बहन भी गोश्त नहीं खाती ना चिकन खाते हैं। ये लोग शौक से चिकन फिर भी थोड़ा खा लेते हैं लेकिन गोश्त बिल्कुल नहीं खाते। और शामी कबाब बना रहे हैं साथ, ताकि वो कबाब जो है खा सके। और ये रायहा को देखें, रायहा क्या करिए, हम लोग किचन में जो है खाना बना रहे हैं और रायहा अपना बाय ना जंगले पे लेट कर रेस्ट कर रही है। इसको ये जगह बहुत पसंद आई है क्योंकि इसको यहाँ से नीचे नज़र आता है, ये बार बार इसके ऊपर बैठती है। और अब यहाँ पे ना इसने इसको तकिया बना के लेट के रेस्ट कर रही है और ऊपर देख रही है आसमान। इसकी मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं होती है, कहती है कि बस मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। अब हम इसको यहाँ से कह रहे हैं उठे और यहाँ से उठ नहीं रही, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसने और यहाँ पे हमारे शामी कबाब रेडी हो गए थे और मेरी सिस्टर जो है शामी कबाब फ्राई कर रही थी और चावल भी रेडी थे ताकि हम लोग सब जो है ना खाना खा सकें, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, सबको भूख लग रही थी। और ये जी फाइनल लुक हमारे लंच की, शामी कबाब भी रेडी है, चावल, सैलड, रायता, और अब हम खाएंगे। और शामी कबाब बहुत टेस्टी थे, चावल तो मैंने बनाए थे तो इसलिए मैं अपनी डिश की तारीफ नहीं। लेकिन रेहान यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है और रायहा को देखें, रायहा क्या कर रही है। रायहा भी इसके साथ नमाज पढ़ने के लिए बैठ गई है। रायहा नो, असर का टाइम हो गया तो रेहान असर की नमाज पढ़ रहा है और रायहा आके उसके साथ बैठ गई है कि वो क्या कर रहा है, नमाज कैसे पढ़ रहा है, देख रही है उसको। यहाँ पे ये सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। मेरहा शाम का टाइम था तो हम थोड़ी देर के लिए छत पे गए। मेरी बहन लोगों ने मुर्गे रखे हुए हैं, मुर्गी, मुर्गा, और रायहा जो है खुश हो रही थी चू 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 कह के, तो ये लोग खेल रहे थे। तो मेरी फर्स्ट व्लॉग को आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसी तरह उम्मीद है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं आपको रोज़ न्यू वीडियोस जो है डालती रहूँगी ताकि आप लोग जो है इंटरटेन हो सकें। तो यहाँ पे रायहा के बाबा आ गए थे रायहा को मिलने के लिए क्योंकि वो उसको मिस कर रहे थे। हम ईद के सेकंड डे आ गए थे यहाँ पे रहने के लिए, तो मेरी कज़न की शादी आई हुई है इसलिए मैं थोड़ा दिन यहाँ पर स्पेंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है कि वो फिर वीकेंड में ही फ्री होते हैं, वीकेंड के अलावा फ्री नहीं होते रोज़ ले जाना और आना। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।